अक्सर लोग कहते हैं कि नमाज के बाहर सजदे की हालत में दुआ कबूल होती है, इसलिए सजदे में हाथ की हथेली को आसमान की तरफ करके दुआ करते हैं, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? जिस तरह दुआ में हाथ उठा होता है, इसी तरह सजदे में? इस तरह देखिए, सबसे पहली चीज़ रिवायात से, अहादीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सजदे में दुआ का ज़िक्र मिलता है, वो रिवायात के अंदर जो नमाज़ें हैं, नमाज नफली नमाज मुराद है। जो सजदे में दुआ का ज़िक्र मिलता है तो वो कौन सी नमाज है? नफली नमाज है, फ़र्ज़ नमाज नहीं बल्कि नफली नमाज, ये सारे उलमा का कहना है। और नफली नमाज के अंदर जो दुआ की जाएगी सजदे में, वो भी अरबी ज़ुबान के अंदर, उर्दू में दुआ नहीं करना है, अंग्रेज़ी में दुआ नहीं करना है, फ़ारसी में नहीं, क्योंकि नमाज है, अगर उर्दू का एक जुमला बोल देंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी, इसलिए अरबी ही के अंदर दुआ करें, अरबी में आप दुआ कर सकते हैं। और नमाज के अलावा यूं ही सजदे में दुआ करना, इसका सबूत हदीस से नहीं मिलता है, इसलिए जो तरीक़ा है दुआ का उस तरीक़े पर दुआ करें, ठीक है। और अगर सजदे में करना चाहें तो नफल नमाजों के अंदर, अरबी के अंदर आप दुआ कर सकते हैं, और बहुत सी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं, मसनून दुआएं हैं, आप उन्हें जो है अपनी नमाजों के अंदर मांग सकते हैं सजदे के अंदर, लेकिन नफल नमाजों के अंदर।